हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द गर्ली मॉम। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसानी से हो जाने वाला मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करूंगी। ये मैं ज़्यादातर अपनी वीडियोस के लिए करती हूँ और ये जो है स्पेशली मैं फाउंडेशन से बिल्कुल भी नहीं करूंगी, ये मैं बीबी क्रीम से करूंगी। इसके लिए मैंने सबसे पहले लैक्मे एब्सोल्यूट ब्रल्ड प्राइमर ले लिया है एंड ये जो है मैं अपने पूरे फेस पर डॉट डॉट करके अप्लाई कर लूँगी। डॉट डॉट करने से ये जो पूरे फेस पे जो अच्छे से लग जाता है। अब डॉट डॉट करने के बाद इसको मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर से जो है अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेकअप। अच्छे से ब्लेंड कीजिए ताकि आपका मेकअप बिल्कुल भी पैची नज़र ना आए। सो देखिए, मैंने यहाँ पे अपना जो प्राइमर है वो अच्छे से अप्लाई कर लिया है। जो है मैं बीबी क्रीम यूज़ करूँगी, इट्स लैक्मे 925 बीबी क्रीम। ये भी जो है मैं थोड़ी सी क्वान्टिटी में लूँगी और इसे जो है मैं अपने डॉट डॉट करके पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी। जैसे कि मैंने बोला, डॉट डॉट करने से जो है बिल्कुल भी पैची लुक नहीं आता है। सो मेक श्योर कि कभी भी ऐसे क्रीम की तरह मत लगाइए, हमेशा डॉट डॉट करके उसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कीजिए। ब्लेंडिंग जितना ज़्यादा अच्छे से करेंगे उतना ही मेकअप फाइन आएगा, उतना ही मेकअप जो है प्रोफेशनल लगेगा, अच्छा लगेगा एंड बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई बीबी क्रीम या फाउंडेशन लगाया, ऐसा लगेगा कि ये आपकी स्किन ही है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी अननेचुरल सा मेकअप आपका ना लगे, तो आप हमेशा ब्लेंडिंग पे फोकस कीजिए क्योंकि ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे मैं ब्लेंड कर रही हूँ अपने मेकअप को। इसके बाद जो है मैं कॉम्पैक्ट यूज़ करूँगी अपने पूरे मेकअप को सेट करने के लिए, अपनी बीबी क्रीम को सेट करने के लिए एंड ये जरूरी, बहुत ज़रूरी पार्ट है, ज़रूर कॉम्पैक्ट लगाइए। इससे एक्स्ट्रा स्वेटिंग होती है स्किन में, वो नहीं होती और मेकअप जो है ज़्यादा देर तक टिका रहता है। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी कि मेबलिन का फिट मी ब्लश। ये ब्लश मुझे बहुत ही अच्छा लगता है डेली वेयर में, ये बहुत ही अच्छा है। ऐसे बिल्कुल भी ऐसे पिंकी पिंकी से नहीं हो जाते हैं गाल, बट बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा नेचुरल सा लुक आता है। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी हाइलाइटर। ये मैंने उल्टा पकड़ लिया है, सॉरी। ये मेबलिन का हाइलाइटर है मास्टर क्रोम। ये मेरा फेवरेट हाइलाइटर है, इससे बहुत ही अच्छे से हाइलाइट हो जाता है। इसे बहुत ज़्यादा यूज़ मत कीजिए अगर आप डेली वेयर कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा यूज़ कीजिए। बहुत ही अच्छी सी शाइन आ जाती है, बहुत ही अच्छा सा ग्लो आ जाता है आपके फेस पे। ये बहुत ही अच्छा है, डू ट्राई दिस। इसके बाद मैं आई शेडो यूज़ करूँगी, इस मेकअप को बहुत ही नेचुरल रखूँगी। इसके लिए मैंने जो है अपनी ड्रेस से मैच करता हुआ ये वाला जो है आई शेडो यूज़ कर लिया है एंड इसे मैं अपनी आईलिड्स पे लगाऊंगी और अच्छे से ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड करना बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए इसकी वजह से ही जो है आई शेडो उभर के आती है, अदरवाइज़ नहीं हो पाता पिगमेंटेशन। एंड ये देखिए, मैंने दोनों आईज़ पे अच्छे से लगा ली है आई शेडो एंड मैं अब काजल अप्लाई करूँगी। आप मस्कारा भी अप्लाई कर सकती हैं बट मुझे मस्कारा नहीं अप्लाई करना है, मुझे सिर्फ काजल ही अप्लाई करना है। एंड काजल लगा लिया तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड इसके बाद जो मैं आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, आप आईलाइनर स्किप भी कर सकती हैं बट आईलाइनर लगाने से जो आंखें बहुत सुंदर लगती हैं। इसके बाद मैं लिपस्टिक लगा लूँगी अपनी ड्रेस से मैच करती हुई। आप भी लिपस्टिक, लाइट भी लिपस्टिक लगा सकती हैं, जैसे भी आपको लिपस्टिक पसंद हो। न्यूड लिपस्टिक भी लगा सकती हैं एंड इसके बाद जो है मैं अपनी ड्रेस से मैच करती हुई बिंदी लगा लूँगी एंड या आई एम ऑलमोस्ट रेडी। एंड आपको ये लुक अच्छा लगा हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और भी वीडियोस, हॉल वीडियोस, मेकअप वीडियोस मैं लेती आऊँगी। सो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।